हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दो नई तरह की मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस एक चीज़ से कम समय में ही हम दो नए तरह की मिठाई बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में मिल्क पाउडर जलेबी बनाना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मिल्क पाउडर और पिस्ता को मिलाकर हम मिल्क पाउडर स्वीट रोल तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। मिल्क पाउडर 1 कप, मिल्क 1/2 कप, शुगर 1/2 कप। शुगर हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर, घी 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमें चाहिए पिस्ता 1 कप, स्वीटेंड कॉन्डेंस मिल्क 2 टेबल स्पून, ग्रीन फूड कलर। सबसे पहले हम पिस्ता को मिक्सी जार में डालकर इसका हम बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें कॉन्डेंस मिल्क और ग्रीन फूड कलर डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पिस्ता का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है, अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से अपने पहले वीडियो में मिल्क पाउडर जलेबी के लिए मिक्सर तैयार किया था, सेम उसी तरह से हमें भी स्विस रोल के लिए वैसे ही मिक्सर तैयार करना है। पैन को हम लो हीट पर गर्म करेंगे। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए तो अब उसमें हम घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम मिल्क पाउडर, शुगर, इलायची पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और लगातार चलाते हुए मिक्सचर के थिक होने तक इसे हमें पकाना है। मिक्सचर जो है थिक हो गया है और पैन का किनारा भी छोड़ने लगा है। अब हम हीट को ऑफ कर देंगे। बोर्ड पर हम हल्का सा घी लगाएंगे और इसके ऊपर हम पिस्ता के डो को रखकर इसे हम पतला सा बेल लेंगे इस तरह से। इसे हम साइड में रख देंगे और हम मिल्क पाउडर मिक्सचर को अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे। हाथ में हम हल्का सा घी लगा लेंगे। रोलिंग पिन की मदद से हम इसे धीरे धीरे बेल लेंगे। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर मिक्सचर जो है बहुत ही जल्दी हार्ड होने लगता है, तो जब मिक्सचर जो है हल्का सा गर्म रहे तभी हम इसे बेलना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर पिस्ता के लेयर को रखकर अच्छे से सेट करेंगे और इसे हम धीरे धीरे करते हुए रोल करेंगे इस तरह से। हमारा स्विस रोल तैयार हो गया है। इसे हम इसी तरह से थोड़ी देर के लिए यहीं पर छोड़ देंगे। इसे हमें फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट्स हो जाने के बाद इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। स्विस रोल जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मिक्सचर में हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया था। अब हम धीरे धीरे करके चाकू की मदद से अपने पसंद के हिसाब से पतला या मोटा साइज़ का स्लाइस निकाल लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी पिस्ता मिल्क पाउडर स्विस रोल तैयार है। इसे हम 2 दिन तक आराम से खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर इसे हम 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यह दोनों रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।